हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे जो हमेशा भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के समय चर्चा में रहते हैं और डिस्कस किए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स को खास करके, ये जानना ज़रूरी है और ये कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिर LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैकमोहन रेखा क्या है, और वास्तव में इन तीनों में से कौन सी वो रेखा है जो भारत चाइना के बीच सीमा रेखा है, और भारत चाइना क्यों हमारे अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, क्यों वो बताता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, हमारा है, और क्यों बॉर्डर विवाद जो है चाइना के साथ हमारे होते रहते हैं। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे, छोटा सा वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा, छोड़ के वीडियो प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1914 में चाइना के बीच, तिब्बत के बीच और भारत सरकार के बीच एक शिमला में, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में समझौता होता है जिसको शिमला समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हुआ यूँ कि उस समझौता में चाइना जो है वो पीछे हट जाता है, उस समझौता पे हस्ताक्षर करने से पीछे हट जाता है, चाइना उस पे हस्ताक्षर नहीं करता है। तो वो समझौता खास करके तिब्बत और भारत यानी कि ब्रिटिश भारत के बीच होती है और वो शिमला समझौता कही जाती है। उस समझौता में ये था कि भारत और तिब्बत के बीच और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक सीमा जो है वो निर्धारित की जाती है जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये रहा मैकमोहन लाइन का इतिहास। तो मैकमोहन लाइन जो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा थी वो शिमला समझौता से अस्तित्व में आती है। अब 1947 में अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाते हैं। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन माओ से तुंग द्वारा किया जाता है और भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट देश जो है वो बन जाता है। मतलब भारत दोस्ती दिखाता है कि भैया चाइना भी अभी आज़ाद हुआ है, हम भी अभी आज़ाद हुए हैं, हम लोग भाई भाई हैं, और जो एशिया में तथा अफ्रीका में नए नए विकासशील देश जो आज़ाद हो रहे हैं उनको भारत और चाइना साथ में मिल करके उनका सपोर्ट करेंगे, उनके डेवलपमेंट में जो है वो सहयोग करेंगे, क्योंकि उस समय की जो हमारी सरकार थी, खास करके हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, वो आदर्शवादी नेता थे, तो वो चाइना को अपना भाई मानते थे और चाइना से किसी भी प्रकार का वो डिस्प्यूट नहीं चाहते थे। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत के जो दलाई लामा थे, धर्मगुरु थे, और वहाँ के निर्वासित सरकार ल्हासा से पैदल ही चल के भारत आती है शरण के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत ने अतिथि देवो भव के तहत उन लोगों को शरण दिया हमारे हिमाचल प्रदेश में, और ख़ास करके धर्मशाला वाला जो इलाका है वहाँ पर आज भी वो लोग रहते हैं। अब इससे चाइना को खिंच गया, चाइना को जलन हो गया कि भैया आप कैसे, मतलब कि किसी और को या फिर जो हमारे विद्रोही हैं हमारे लिए, उनको आप भारत कैसे शरण दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती की गई भारत द्वारा कि 1954 में भारत ने तिब्बत पे चाइनीज संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। भारत ने मान लिया कि हाँ तिब्बत जो है वो चाइना का है, और ये ब्लंडर गलती हुई, ब्लंडर मिस्टेक हुई भारत सरकार की वजह से। इससे चाइना को ये कहने का मौका मिल गया कि हम शिमला समझौता को नकारते हैं और मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं, क्योंकि शिमला समझौता तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच हुई थी, न कि चाइना के साथ हुआ था। तो चाइना ये कहने लगता है भैया हम तो शिमला समझौता को नहीं मानते हैं, भैया भारत हम मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये समझौता आप हमारे साथ नहीं किए थे, और चाइना स्वतंत्र कंट्री तो था नहीं, इसको कोई यानी कि तिब्बत स्वतंत्र कंट्री तो था नहीं, इसको कोई अधिकार नहीं है वो करने का, मतलब समझौता करने का सीमा संबंधी। और यहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करने लगता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, ये हमारा है, और हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं। 1962 में भारत और चाइना का वार होता है जिसमें चाइना अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लेता है और जो हमारा पूर्वी लद्दाख है उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है। तो 1962 में एक तरफा चाइना युद्ध विराम भी कर देता है युद्ध जीतने के बाद, और वो अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट जाता है मैकमोहन रेखा के पीछे, लेकिन पूर्वी लद्दाख से वो पीछे नहीं हटता और पूर्वी लद्दाख को अपने सिंजियांग प्रांत का पश्चिमी हिस्सा बता करके अक्साई चिन नाम दे करके वो अपने में मिला लेता है और उस पर ऑक्युपाइड करके आज भी रखा है। अब 1962 में युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चाइना की सेना जहाँ पर मतलब रुकी थी उसी को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया भारत और चाइना के द्वारा, यानी कि उसको एक तरीके से युद्ध विराम रेखा के तौर पे देखा गया कि युद्ध विराम के समय सैनिक दोनों तरफ के जहाँ जहाँ इकट्ठे हैं उसको ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया,
और ये कहा गया कि अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होगा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यानी कि LAC का टर्म यहाँ से यूज हुआ है। तो अभी तक आप लोगों को मैकमोहन रेखा और LAC के बारे में जो है वो पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन LAC अभी भी डिफाइन नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है LAC की कहाँ पर है। चाइना कोई और जगह LAC मानता है, भारत कोई और जगह LAC मानता है, मतलब दोनों का जो है वो अलग अलग LAC को लेकर के भावना है और वो मतभेद होते रहते हैं। तो क्यों क्लेम करता है चाइना अरुणाचल प्रदेश पे, ये भी समझ में आ गया होगा। मैकमोहन रेखा और LAC के बारे में जो डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा जो आप लोगों का संशय था इस विषय पे वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेजबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।